गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज लास्ट टॉपिक, सेकंड लास्ट टॉपिक आज कर लेते हैं चैप्टर वन का, जिसमें बोला एक्सप्रेस द डेसिमल, डेसिमल में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आपने पहले भी सीखा हुआ है डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करना है, इसको डिवाइड करना है, जैसे ऊपर वाला नंबर का अंदर 4 3 12 3, तो डॉट ले लो करके यहाँ पे जीरो ले सकते डेसिमल लेवे तो, ठीक है। 4 7 28, जो बच्चा एक बार डेसिमल लोग कहते हैं फिर जीरो ले सकते हैं, एक जीरो तो ले सकते हैं, ठीक है। तो 4 5 20, तो ये डेसिमल एक्सप्रेशन में कैसे किया 3.387, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला देखो 4 और यहाँ पे 9, कितना है 4 और 9 है, तो क्या करना है, यहाँ पे पहले से जीरो ले लिया निकाल, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो ले लिया, 9 4 36, ठीक है, माइनस किया तो क्या होगा 4, ठीक है। एक बार डॉट ले लिया तो जीरो ले सकते हो आप बार बार, ठीक है। तो फिर से 4 36, फिर 4 लिया, फिर बार बार रिपीटेड हो रहा है, तो उसको आप ऐसे डिस्कल कर सकते हो 4 डैश, ठीक है, इसका अंतर इसलिए क्योंकि बार बार वही रिपीटेड हो रहा है, जो बार बार रिपीटेशन हो रहा है तब तक अपन को करने का होता है, ठीक है। इसको वैसे ही 2 2 डिवाइडेड, ठीक है, 0 लिया 1 15 5, अच्छा 0 लिया, फिर से यहाँ एक बार इसमें लिया तो 0 ले सकते हो, 15 3 45, फिर वही बच्चा 5, तो बार बार ये रिपीट होगा, इसलिए इसके ऊपर डैश लगा सकते हो, इसका आएगा बार बार रिपीट होता रहेगा, इसलिए ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। बार बार अभी 3 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, 3 आएगा, इसलिए 3 के ऊपर डैश करना, 3 के ऊपर डैश, ओके। तो ऐसे आपको क्या है डेसिमल में कन्वर्ट करने का ये है, और डेसिमल में दिया है और पी क्यू फॉर्म में, मतलब अपॉन के फॉर्म में लेना है। तो देखो अभी ये वाला, तो इसको देखो ये वाला क्या था कि टर्मिनेटिंग है, मतलब 0 आ गया इससे, मतलब डिवाइडेड 0 आ गया रिमाइंडर, इसमें 0 नहीं आएगा, रिपीट 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 होता रहता है, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये नॉर्मल है नंबर, तो 0 7 5 6 लिया अपॉन में कितने डॉट 1 2 3, तो ये लगा निकाल के 3 0 लगा दो, तो ये हो गया डेसिमल में कन्वर्ट नॉर्मल, ठीक है। बट ये डैश वाले का मतलब ये हो जाता है 0.55555 डैश, डैश का मतलब होता है कंटिन्यूसली 5 आ रहा है, कितना है कंटिन्यूसली 5 आ रहा है। तो इसमें सपोज मानने का, क्या करने का, इसमें सपोज एक्स इक्वल्स टू 0.555 डैश, ठीक है। तो एक नंबर रिपीटेड हो रहा है बार बार, तो 10 से इंटू करना है दोनों साइड, तो मतलब 10 से इसको इंटू करो 10x, और ये हो गया 5555 डैश, ठीक है। अब इसको 10 को यहीं पे रहने दो, इसको स्प्रेड करो, 5 को अलग कर दो, 0.5555 अलग कर दो, क्या कि मैंने पॉइंट के आगे वाले को नंबर को आगे रख दिया, उसके बाद वाले को कंटिन्यू रख दिया, ठीक है। तो 10x इक्वल्स टू 5, और यहाँ पे क्या x इक्वल्स टू कितना है 0.x की जगह पे अपन क्या ले सकते हैं यहाँ पे, मतलब 0.5 की जगह पे x ले सकते हैं, क्योंकि आपने बोला है ना सपोज x इक्वल्स टू दिस, तो x को इंसर्ट ले लो, तो 10x माइनस x इक्वल्स टू 5, दैट इज 9x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5/9, इस टाइप में आप सॉल्व कर सकते हो पी बाई क्यू फॉर्म में, ठीक है। ये वाली डिवाइड ऐसे करना है, जो रिपीट हो रहा है तब तक डिवाइड करते जाने का है, भले नंबर कितना 5 6 नंबर रिपीट हो रहा है तब तक आपको रिपीट करना ही है, जहाँ रिपीट हो जाए वहाँ स्टॉप करना है, और यहाँ पे इसलिए में आप कर सकते हो,